जब चर्चा कर ही रहे हैं, जाट समाज को 13 सीटें मिल गई, अभी 23 रह रही हैं बाकी बैलेंस और, तो मुझे लगता है 23 में से भी 4-5 तो और मिलेंगी कम से कम। ये भाजपा की जो सीटों के बंटवारे के कास्ट वाइज समीकरण को अगर हम देखें और समझें तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदी हुई राजनीति की है या किसी वर्ग को प्रभावित करने के लिए स्पेशल? एक इससे पहले एक करीब कोई 20 साल पहले 25 साल पहले एक मुहिम चली थी जी कि नाम के साथ ये जाति गोत ये ना लिखा जाए। सियासत के चूल्हे पे जो तवा चलता है वो ये जाति और पाति का समीकरण का तवा चढ़ता है और उस पर फिर जो तड़का लगता है वो जाति का तड़का लगता है। आप कितने सहमत भाजपा से हो मुझे पता नहीं, मैं कितना सहमत हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर है मनोहर लाल का जो वो नारा था हरियाणा एक हरियाणवी एक का मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बहुत अच्छी बात, हाँ कि बहुत अच्छा नारा उनका था। जो अब कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी भागम भाग तो वहाँ भी होगी, वहाँ से ज्यादा है हाँ, क्या कम है? वो कह रहे होंगे बीजेपी वाले आज कह रहे होंगे आज तुम हमारे मजे ले लो कल हम तुम्हारे ले लेंगे, सही है यही चलता होगा ना। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा में चुनाव है, चुनाव को लेकर के अब टिकट वितरण का काम भारतीय जनता पार्टी का आप माने तो लगभग 70% पूरा हो गया है, यानी कि 90 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी बांट चुकी है। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी कुछ सीटें दे चुके हैं। प्रमुख पार्टी अभी तक जिनकी सीटें सामने आई वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो 67 सीटें सामने आई उन सीटों के अंदर जातिगत समीकरण क्या है, क्योंकि इस समय जाति धर्म की बात अगर की जाए चुनाव में तो बेमानी है। भले ही राजनेता कितना ही कहें, प्रधानमंत्री मोदी कहें सबका साथ सबका विकास, राहुल गांधी कह दें कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन जाति और धर्म में आकर के ये हाथ सब जगह बट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो 67 सीटें आई उनका अगर एनालाइज करें तो उसकी स्थिति क्या है, इस पर कुछ चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, बड़ी विडंबना है जी कि एक तरफ तो हम बात करते हैं, ये राजनीति ये करनी पड़ती है जी, एक तरफ हम बात करते हैं कि विस्तृत भारत की वृहद भारत की जी, और दूसरी तरफ क्योंकि राजनीति ऐसी बन चुकी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना जी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बात आ रही है, ये बात पिछले दिनों बीएसपी पार्टी से लगातार चलती रही है जी। तो इसलिए विडंबना हो लेकिन जो है वो तो बताना पड़ेगा, हकीकत यही है। तो मैं आपके साथ इसी विषय को लेकर डिस्कस करने के उसमें हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है जी 67 लोगों की 67 की जी, उसमें कास्ट वाइज फैक्टर क्या है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से रेशियो है कास्ट का क्या वो सब कुछ मिला है, और या फिर जो राजनीति चलती है इसका उसका तेरा मेरा अपना पराया ये सब, और इनके जीत के क्या समीकरण हैं, इन पर आपसे बात करेंगे जी। आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि जो 67 सीटें आई हैं जिनका मैंने अवलोकन किया है, सुरजेवाला जी आपने भी देखा होगा जी, 67 में जाट समाज को सबसे ज्यादा सीट मिली है 13 जी, बीजेपी 35 वर्सेस 1, जाट गैर जाट ये सब नारे चलते रहे, बीजेपी ने कहीं नहीं कहा, पार्टी कभी कहती नहीं, वर्कर कहा करते हैं, लोग कहते हैं जी जी। तो मुझे लगता है वो वॉश करने के लिए उन्होंने किया कि 13 जाट समाज को जी, सबसे जो विशेष है वो है ब्राह्मण समाज को 10 सीटें 67 में से जी, पंजाबियों को 7 सीटें जी, वैश्य अग्रवाल समाज को 5 सीट जी, एससी जिसके अंदर धानक भी हैं सभी आ गई उनको 13 रिजर्व सीट, बिश्नोई 2 जी, बिश्नोई के बाद देखें तो यादव 5 जी, गुजर 5 जी, राजपूत 1, रोड़ 1 जी, सिख 1 जी। अगर अब बांटें बीसी में जी, गुजर और यादव को ओबीसी में रखा हुआ है हाँ, ओबीसी में आते हैं, और एक सैनी हो गए तो सैनी भी ओबीसी में है हाँ, एक सैनी को जी, और 3 बीसी को जी, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं जो पिछड़े बैकवर्ड हैं जो जिनको पहले मूल बैकवर्ड जो हैं, जिनमें मैं समझूं तो जांगड़ा हो गए
नहीं, जांगड़ा ब्राह्मण नहीं माना जाता था। अच्छा, उनमें कुम्हार हो गए, गडरिया हो गए, बघेल हो गए, ये सब जो हैं, कश्यप, कंबोज, ये बैकवर्ड क्लास। तो इनको जो मिली हैं वो तीन सीटें मिली हैं, एक कंबोज को, एक कश्यप को और एक प्रजापति को। जी, यानी 11 वो बताई आपने और तीन, ये 14 सीटें ओबीसी को, ओबीसी और बीसी को, ओबीसी और बीसी दोनों मिला करके। अब हरियाणा में ये बड़ा हो गया, ये हरियाणा नहीं पूरे देश में हो गया कि समझ नहीं आता कि ओबीसी क्या है और बीसी क्या है। जी देखिए ऐसा है, पहले इसी की बताएं। हाँ। अभी आप कह रहे थे, मैंने जब कहा सैनी, हाँ। तो आपने कहा ओबीसी। जी ऐसा है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट को लागू होने से पहले बैकवर्ड क्लास ही थी, पिछड़ा वर्ग, जी अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग। लेकिन जब मंडल वो कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जी तो कुछ और जातियों को इसमें शामिल किया गया, जी जिनको कि ओबीसी के उसमें रखा गया। जी बीसी तो पहले थे, जी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, बीसी ए बीसी बी पहले ये हुआ करता था। जी तो अब ये ओबीसी और बीसी भी है इसी में। तो आपने कहा कि भाई टोटल इनका 14 बनता है, जी जिसमें से तीन बताई गई है बीसी, तीन बीसी को, ओबीसी को मेजर पोर्शन जो है ना वो ओबीसी को चला गया। पांच यादव, पांच गुजर और एक सैनी, एक सैनी। जी 11 इनको चला गया, तीन उनको चला गया। अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग तो मान के जिसको चलते थे तो उनको तो इस रेशियो के हिसाब से कुछ मेरे हिसाब से कम प्रतिनिधित्व तो मिला है, कम मिला। लायन शेयर जो है मेजर दूसरी जातियां जो है, और आजकल इस बात का भी काफी चर्चा है जी कि राहुल जी ने आपको बताया कि वो जनगणना की जो बात करते हैं, वैसे तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। जी मेरा मन बड़ा दुखी है इस बात के लिए कि हम जातिगत बात करके, और पर सोचने वाला जी जाति है कि जाति नहीं। हाँ जाति है कि जाति नहीं, देश आजाद हुआ जी तो ये जाति प्रथा और ये समाप्ति के कगार पे थे ये, और लग रहा था कि ये खत्म हो जाएंगे। हमारे मनु समृति कहिए, मनुवाद कहिए, तो उसमें वर्ण रखे गए थे जी, वो काम बांटे गए थे एक्चुअली। जी असल में तो काम बांटे गए थे, जाति नहीं थी, काम बांटे गए थे, जो जो काम करता था उसको वही वर्ण मिल गया, वर्ण मिल गया था, वर्ग मिल गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में आजादी के बाद जो चीज समाप्त होनी चाहिए थी वो और बड़ी, वो राजनीति की इस वोट की खातिर उसमें तो बहुत बुरी तरह इजाफा बहुत बढ़ गई। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही ये बुराई भी बढ़ रही है। बिल्कुल, और हर पार्टी, मैं एक भाजपा को नहीं, हो सकता है भाजपा का थोड़ा ज्यादा है कुछ कह रहे हैं लोग, लेकिन सभी में इस बात को नजरिए से देखा जाता है। जातिगत जनगणना की बात तो ज्यादा कांग्रेस कर रही है। वैसे बताऊं, जिसका जब हित सध रहा हो, एक टाइम था जब मंडल कमीशन आया था तो भाजपा चाहती थी कि लागू हो, जी कांग्रेस खिलाफ थी, जी आज कांग्रेस चाह रही है कि आरक्षण वाला मसला और ओबीसी वाला। जी मैं जी, ये जी कह रहा हूँ कि सभी हम आप में सब नंगे हैं, हर आदमी हर पार्टी इस एंगल को देख के कहाँ किसका है बहुमत उसको उस हिसाब से जो है ना टिकटें बांटते हैं। जी जो एक अच्छी परंपरा तो नहीं है लेकिन चल रही है, परंपरा है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, चर्चा भी उसी पे है। और जहां तक आपने कहा कि जनगणना की बात जो करते हैं वो जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना उसमें थोड़ा सा भेद है जी, वो ये है जातिगत जनगणना में जिसकी मायावती जी ने उठाया, कांशीराम जी ने ये बात उठाई, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के समय से था जी, वहां से नारा आता था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, कांशीराम जी ने और मायावती जी ने इसको खूब भुनाया, खूब भुनाया, खूब भुनाया जी। अब उसमें ये है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं 14 सीटें, उसमें से लायन शेयर ओबीसी खा गया, क्रीमी,
क्रीमी लेयर कह रहे तो मैं क्रीमी लेयर यूं कह रहा हूँ, इसमें क्रीमी लेयर बात नहीं कर रहा मैं, इसमें लागू नहीं है। मैं यूं कह रहा हूँ कि नौकरियों में तो है हाँ, कि भी 7 लाख से ऊपर जो है वो क्रीमी लेयर है उसमें उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी मजे की बात आपने कह दी, नहीं मिलता क्रीमी लेयर की बात पे और मेरिट पे आप कह रहे थे, नौकरियों वाली बात आपने छेड़ दी, मुझे याद आ गया आज करण देव कंबोज का मैं एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे नौकरियों में तो मेरिट की बात करते हैं, टिकटों में मेरिट की बात नहीं है। खैर लिहाजा मैं जो जिक्र कर रहा था जातिगत जनना में, वो ये संदेश शायद कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है कि जिसकी जितनी वो है जनसंख्या, जितना उसका बहुमत है उसके हिसाब से उसको उतना हिस्सा मिल जाए। वैसे मैं एक बात कहूं जी, ये जो आरक्षण और ये जनगणना और ये इसको मिटाने का, मेरे पास एक शायद छोटा सा फार्मूला, पता नहीं वो आपको पसंद आए। मैं ये कहता हूं कि सभी को आरक्षण दे दो, सभी जातियों को, राजपूत को भी, ब्राह्मण को भी, पंजाबी को भी, जाट को भी, सभी को दे दो आप, ब्राह्मणों को भी, बनियों को भी। ये जो जातिगत जनगणना है ना, ये वही आ जाएगा टिकट, वही फार्मूला आ जाएगा। मतलब सभी को आरक्षण का क्या मतलब है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, वही वही वो बिल्कुल, सभी को आरक्षण का मतलब किसी को भी नहीं। इसको मिटाने का तो इस बुराई को शायद यही एक फार्मूला है, आरक्षण बुराई है क्या भाई, उस वक्त जरूरत थी। लेकिन ये तो बुराई तो इस वजह से है ना कि बगैर उसके आप कैलिबर के और उसके जो है, अगर किसी आदमी को सोचने वाली चर्चा का रुख बदल जाएगा, कभी फिर चर्चा जरूर करूंगा आरक्षण पर आपसे मैं एक बार जरूर। अभी इसी पे आ जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है और लोग सुनना भी यही चाह रहे होंगे। कहते हैं कि जो 2014 की पार्ट वन की सरकार थी जी, दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान मैं सुनता था खट्टर साहब के लिए जी, वो कहते थे खट्टर पट्टर पाकिस्तानी। खैर मेरा कोई मकसद वो कहने का नहीं है, मेरा एक जनरल बातें जो वही बता रहा हूँ। दूसरी तरफ 2014 वाली जो मनोहर पार्ट वन की सरकार थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन था वो जाट आंदोलन का था जी, और इतनी पंचायतें देखी मैंने सुरजेवाला जी, इतनी पंचायतें देखी कि जिसके अंदर वह मनस्य की बात आ गई थी। कहीं कहते थे 35-1, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, तो बड़ी मुश्किल से वो धुला जी। अब बात चली, कहीं बात आती है तो जो राजनीतिक विश्लेषक है हमारे जैसे लोग, अच्छा मैं बता दूं ये भड़काने में हम जैसे लोग ज्यादा हैं। हाँ मीडिया का भी है, हमारे लोग ज्यादा हैं जो सबको भड़काते हैं, जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये इसका हाथ तो है। तो जब चर्चा कर ही रहे हैं जी, जाट समाज को 13 सीटें मिल गई जी, अभी 23 रह रही हैं बाकी बैलेंस और। हाँ। तो मुझे लगता है 23 में से भी 4-5 तो और मिलेंगी मिलेंगी, कम से कम हो सकता है 7 तक भी चली जाए, 4-5 का अंदाजा तो है, रेशियो तो अच्छा मिल गया जी जाट समाज को उनकी जी भागीदारी के हिसाब से कह दूं अगर। लेकिन वही बात आ जाती है घूम के इन बातों पे तवज्जो ना देकर अच्छे कैंडिडेट के ऊपर सीटें दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहता। अब फरीदाबाद पहले सुरजेवाला जी, जब से ये सीटें डिक्लेयर हुई जी, आज भाजपा की हुई है कल कांग्रेस की होंगी, तमाम लोग चाहे वो राजनीति करते हैं, राजनीति करवाते हैं, राजनीति सीखते हैं, राजनीति सिखाते हैं, राजनीति दिखाते हैं, हम जैसे लोग सबकी चर्चा में है ये बात। उनकी में भी यही आएगा और उसमें भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल आएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर भाजपा का वो नहीं है कि ये एजेंडा नहीं 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 या भाजपा में ये गलत है या अच्छा है, ये मैं तो बता रहा हूँ कि वो उनकी जो मूल जो कुछ भी हो, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के पब्लिक के लोग जो होते हैं उनमें चलता है सब कुछ। चर्चा कुछ बात पे ये जरूर हो जाती है। अब देखो मैं पढ़ रहा था फरीदाबाद की लोकसभा की 9 सीटों में से 5 डिक्लेयर हो गई, कई लोग लिख रहे हैं मेरी सोशल मीडिया पे जो मैं वीडियो डाले उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे साढ़े चार लाख वोट हैं जाट समाज के, लोग कह रहे हैं हम एक भी नहीं। तो मैं वो बता रहा था कि जैसे हरियाणा में अगर पूरी की बात आती है जी, तो 18 सीटें मिली हैं अभी तक, 13 मिली हैं और मुझे उम्मीद है कि 5 के आसपास और जरूर मिलेंगी अभी, ठीक है जी। तो ये बात लोग ही चलाते हैं ज़्यादा, तो लोग इस बात में तो चलती है ना। अब जैसे आपने कहा कि फरीदाबाद की 5 सीटें डिक्लेयर हुई है, 5 में से 3 ब्राह्मण को, 3 ब्राह्मण, तो वहाँ थोड़ा सा लोगों में एक चर्चा का विषय बन जरूर जाता है कि भाई उस हिसाब से, और वो भी लगातार एक के साथ एक
एक के साथ एक जी, जो आपस में जिनका एक समावेश है उन तीनों सीटों का, हाँ हाँ, तो वहाँ वो चर्चा दो लोगों में आ ही जाती है, स्वाभाविक है। बाकी पार्टी अपने नजरिए से विनिंग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अपने हिसाब से देती है पार्टी। सुरेश बाला जी अगर माने जी तो हरियाणा का, हालांकि कोई जातिगत जनगणना का आंकड़ा है नहीं अभी तक, कोई भी मोटा मोटी अनुमान सब लगाते हैं कि चुनाव के समय पार्टी अपने गांव के वो रफ आंकड़े इकट्ठे कर लेती है, हाँ, या उनको घटाते बढ़ाते भी रहते हैं वो अपने, रहते हैं अपने हिसाब से। वो तो अगर अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं कह दूंगा पंजाबियों की वोट 18% है, अगर मैं तो 7% वो कहेंगे 7% है बिल्कुल, और इसी के आधार पर फिर वो कहते हैं हम 18% तो मैं सीटें ज्यादा तो जी जी। तो वैसे हरियाणा मुझे लगता है कि जाट मेजोरिटी है, मेजोरिटी नहीं बाहुल्य, बाहुल्य है इसमें, मेजोरिटी तो नहीं कहेंगे, जाट समाज की वोट सबसे ज्यादा है बिल्कुल है इसमें, उसके बाद दलित हुए 19% 20% दलितों के लिए तो सीटें रिजर्व ही हो गई, 18 सीटें रिजर्व रही है अनुसूचित जाति के लिए। उस 18 सीटों के बाद में बात आ जाती है 72 की, बंटवारा ही 72 में होता है जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो दलित समाज का जो भागीदारी है, हाँ जी, उसको हटा करके बाकी और जो कास्ट की भागीदारी हो जाती है, सीट पे भी आने लग गया, उसमें भी आने लग गया कि ये रामदास क्या है, ये वाल्मीकि, हाँ बिल्कुल, वीरपंथी बिल्कुल, और ये जो है ना इस तरह का उनमें भी चलने लग गया बिल्कुल। अच्छा ये खाली हिंदू समाज में नहीं है, ये मुस्लिम समाज में भी है ना, है तो ये हर जगह है, हाँ वो हमें चूंकि पाला पड़ता है। मैंने एक हथीन के बारे में बताया था जी, तो उन्होंने लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने जो हथीन का जो मुस्लिम समाज है आपने बता दिया कि इतने ओबीसी हैं इसके अंदर, इतने फकीर हैं, इतने वो जो जुलाहे हैं, इतने एससी हैं, इतने बीसी सब बताया, भी वो दहंगल खाप और वो दूसरे, हाँ वो खाप और पाल अलग हो गई, उनके भी वो गोत्र चलते हैं उनके अंदर भी, वो हर जगह है ये, भाई ये तो भारत की जो एक भौगोलिक स्थिति जैसी है जी, वहाँ पे सभी का ऐसा है। चलिए तो जो हम जो बता रहे थे कि जाट समाज को 13 सीटें जी, ब्राह्मण समाज को 10 सीट, पंजाबियों को 7 और वैश्यों को 5 जी। वैश्य समाज के लोगों में भी, पहले पंजाबी समाज की बात में अगर आपसे, ब्राह्मणों को आपने बता ही दिया कि ब्राह्मण समाज को मुझे लगता है कि इतनी भागीदारी पहले शायद नहीं मिली, पहले नहीं मिली इतनी कभी। अब जैसे फरीदाबाद की बात कर रहे थे आप, हाँ, पांच में से तीन तो फिर गुरुग्राम, हाँ अगली लगता है ये जिला, वो भी साथ ही लगता हुआ है, हाँ, साथ ही लगता हुआ, तो उस हिसाब से कुछ लोगों में है जिनको शायद ज्यादा है, हो सकता है पार्टी ने उनके विनिंग प्रोस्पेक्टस या 6 उम्मीदवार प्रत्याशी बिल्कुल उनको देख के, राजनीति सब कुछ देखते हैं, उनका सबसे पहला तो विनिंग प्रोस्पेक्टस ज्यादा रहता होगा, हर पार्टी रहती है। पंजाबी समाज के लोग मांग करते थे जी कि वही बात आ जाएगी कि हमारी 18-17% हैं जी। तो एक दिन पंजाबी समाज के एक नेता मेरे साथ थे भी सही, मैंने भी उनसे पूछा था जी, मैंने कहा पंजाबी किसे मानते हो जी, तो कहने लगे जो पंजाब से आए वो पंजाबी जी, मैंने कहा सारा हरियाणा पंजाबी है। देखिए अगर ये फिर वही चर्चा से हट जाएंगे हम, पंजाबी आपने कहा कौन है, जो पंजाब प्रांत में रहते थे, हाँ जी, लेकिन जो जंग प्रदेश से आए, जो मुल्तान से आए, वो पंजाबी तो नहीं है, हाँ, लेकिन उनको भी पंजाबी मान, नहीं वो पंजाब में थे ना, जंग भी पंजाब में था, नहीं नहीं पंजाब में कैसे थे, जंग जिले थे, जंग जिला था पंजाब का, नहीं बहुत से ऐसे हैं जो पंजाब से बाहर थे, इवन जो कराची और उधर के हैं जो यहाँ आगे उनको भी हम उसी श्रेणी में मान लेते, मैक्सिमम जो है ये पंजाब के जिले थे, जंग भी और अपना चिनार भी, शोरकोट भी, जबुआना भी, इसके साथ साथ वो डेरा गाजी खान भी जी, ये सब मुल्तान भी जी, ये सब पंजाब के जिले थे, और जो पश्चिम पंजाब से, पंजाबी स्पीकिंग को पंजाबी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह, हालांकि मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया मुझे बड़ा अच्छा लगता था, आप कितने सहमत भाजपा से हो मुझे पता नहीं, मैं कितना सहमत हूँ मुझे खुद भी नहीं पता जी, लेकिन ये जरूर है मनोहर लाल का जो वो नारा था हरियाणा एक हरियाणवी एक का, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छी बात थी, हाँ कि बहुत अच्छा नारा उनका था जो, और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये दुर्भाग्य है कि हम इस किसी चर्चा कर रहे हैं, बात है उनकी इस बात को बढ़ावा मिलना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो उनका जो नारा था
उसके अंदर एक हमें गौरव भी महसूस होता है। बिल्कुल, अपना अपन भाईचारा, राजनीतिक विद्वेष किसी के साथ कितना भी हो सकता है, लेकिन जो अच्छा हो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसको कहा जाना चाहिए। तो मनोहर लाल जी का उस नारे से मैं तो बहुत प्रभावित रहा। दूसरा ये भी था कि वो उनके नाम के आगे जो खट्टर लिखा जाता है उन्होंने खुद हटाया, उन्होंने एक बार अपनी नेम प्लेट से हटवा दिया ना, बहुत अच्छा कदम था सुरजेवाला जी, लेकिन उनको जाना ही खट्टर के नाम से जाता है। मनोहर लाल तो अब फिर खट्टर साहब कहते हैं सब। एक टाइम था मनोहर लाल जी कहते थे, अब खट्टर साहब कहते हैं। हुआ क्या कि जो आप बता रहे थे उन्होंने नेम प्लेट से हटवाया जी, मुख्यमंत्री बने वो जी, उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद की बात थी जी, पहला जो टेनवर था उनका जी, तो एक सम्मेलन हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर जी, जी। पंचरत्न स्मारक समिति ने किया था जी, और पंचरत्न स्मारक समिति का मैं भी एक पार्ट था जी। उस सम्मेलन में जब वक्ताओं ने बोला मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल जी ने खुद कहा कि आप मुझे खट्टर साहब के बजाय मनोहर लाल के नाम से बुलाएं। वो कहते रहे हाँ। और एक बात और भी आई कि भाई हम तो जैसे किसी को ना शॉर्ट नेम में कहते हैं जी, मग्गू साहब, सुरजेवाला जी, सहरावत साहब, गोत्रपाल के नाम जानते हैं, तो उनसे बात आई कि जी हम तो उन्होंने कहा आप मुझे वीर जी बोल दिया करो। ये भी अच्छा था। हाँ। अब एक वो इससे पहले एक करीब कोई 20 साल पहले 25 साल पहले एक मुहिम चली थी जी, कि नाम के साथ ये जाति गोत ये ना लिखा जाए। तो हमारे यहाँ राजेंद्र बिस्ला जी थे, उन्होंने बिस्ला हटा करके राजेंद्र सिंह आर्य लिखना शुरू किया। बहुतों ने किया। वो अच्छी बात तो है जो समाज में अच्छा बढ़ावा मिलता है, हमें तो यही चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां ये नहीं करती, मैं तो ये कहूँ ये करती ही राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती है। वो बार सेड़ी थे आप देख लेना, बेशक से कैमरे में कहेंगे वो हमने जाट समाज को 13 सीट दी, हमने पंजाबी समाज को 10 सीट दी, 8 सीट दी, ब्राह्मणों को हमने 10 सीट दी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जी कि जाट हमें वोट देंगे। हाँ। ये अपील कर रहे हैं। हाँ। जो कि मैं समझता हूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ। ये जो है आचार संहिता के हिसाब से इस तरह से अपील करना वो अच्छा नहीं है। इनका जाट हमें वोट देंगे, जाट देशभक्त है। हाँ, तो ये कोई बाकी देशभक्त नहीं है जी, पंजाबी देशभक्त नहीं है, जिनको पुरुषार्थी कहा जाता है। हाँ। जिस समाज ने समाज को बहुत बड़ी देन दी, वो वही है सर, एक पुरानी कहावत है, तो वो नहीं है। अगर कोई भूखा हो, हाँ, भूख लगी हो, हाँ, तो पुराना गाना है रोटी के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, रोटी ही दिखाई देती। तो नेताओं के लिए सत्ता की भूख होती है, उन्हें के लिए वोट के लिए कुछ भी करेगा। कि राजकुमार सैनी को भाजपा ने कितना यूज किया जी, क्या वो राजनीतिक नेता नहीं थे? माननीय सांसद थे कुरुक्षेत्र से, उन्होंने सरेआम जो ये किया, ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने यूज किया? भाजपा ने उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई, एक बार भी नहीं, और बाद में उसको यू डिड थ्रो, बाद में उसमें क्या वजह आई कि उसको पार्टी से निकलना पड़ा? आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर वो जाति पाति का जहर घोल रहे थे, दगली पर टिकट काट दिया, रोकते टिकट काट दिया, टिकट कब काट दिया? 5 साल के बाद, 5 साल आपने यूज किया, उसके बाद उसको कर दिया। अब समृति जी भी कुछ कुछ बदली बदली नजर आ रही है 5 साल के बाद, मतलब वो भी राहुल को बहुत कुछ वो भूलती रही है। आजकल उन्होंने कंगना जी को भी काफी छूट दी हुई है। हाँ, कंगना के एक बयान के ऊपर असहमति तो जरूर जताई है, लेकिन असहमति से वो बात नहीं बनती। तो राजनीतिक पार्टियां छूट तो देती हैं, मतलब सत्ता का जो या ना छिपाए, मैं ये कहूँ कि जो सियासत का जो चूल्हा है जी, उस पे जो रोटी पकती है, हाँ, जाति की पकती है, हाँ, वो जाति की पकाई जा रही है, उस पे जो सियासत के चूल्हे पे जो तवा चलता है जी, वो चढ़ता ही जाति और पाति का समीकरण का तवा चढ़ता है, और उस पर फिर जो तड़का लगता है, हाँ, वो जाति का तड़का लगता है। अभी आप कह रहे हैं भाग्य है कि वोटिंग पैटर्न भी हमारा उसी बेस पे है, क्योंकि जब ऊपर से चलता है, करप्शन है, बुराई है, फैशन है, ऊपर से चलता है। ठीक बात है, रोल मॉडल माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, जो अच्छे बड़े स्टार होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े नेता होते हैं, हुआ बुराई हुआ अच्छाई हुई जी, ये सारी चीजें ऊपर से चलती है, बड़ों से चलती है, बच्चे भी सीखते, खासकर यूथ तो ये समझता है कि हमारे आइकन हैं लोग, नहीं हमारे, हाँ, यूथ बच्चे भी तो देखिए ना, हमारे घरों में बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं, वो बड़ों से ऊपर से चलती है जी, नीचे से बहुत कम।
चलिए, अब ये है हमेशा चलता रहा वैसे। हाँ, ये जब से समाज बना है संरचना हुई है। हाँ जी। लेकिन दिक्कत ये है अब कि शिक्षा और समझ इंसान की बड़ी तो है, बिल्कुल, उसके हिसाब से इस चीज को कम होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कम नहीं हो रहा। चले, तो अगर हम इसको देखें जी, ये भाजपा की जो सीटों के बंटवारे के कास्ट वाइज समीकरण को अगर हम देखें और समझें जी, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदी हुई राजनीति की है या किसी वर्ग को प्रभावित करने के लिए स्पेशल? देखिए, इसमें बाजी तो मैंने कहा ना, ब्राह्मण समाज है उसमें काफी बड़ी बाजी मारी है, और इसी तरह जो ओबीसी है उन्होंने बीसी को पछाड़ते हुए उन्होंने भी अपना काफी हक उनका अपने पक्ष में किया है। तो क्या वजह है तो वो जाने, तो फिर वही घूम के कहता हूँ, हो सकता है कि विनिंग प्रोस्पेक्टस रहा हो, अच्छे उम्मीदवार हो, चयन किया हो पार्टी ने जी, हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने जातिगत को ही ज्यादा महत्व दिया हो पार्टी ने। बहुत कुछ सोच समझ के बड़ा मंथन हुआ है, बड़े शीर्ष नेता बड़े, हाँ, कई दिन कई दौर की नेताओं ने इस पे विचार किया। भाजपा के भाजपा में तो जैसे कांग्रेस में है, से भाजपा में छोटी टोली, बड़ी टोली, फिर बड़ी टोली, फिर सी सी, फिर वापस, फिर यानी कि जो जुडिशियल कोर्ट से लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, वही सब कुछ चला आपकी बार डिक्टो में। तो विनिंग प्रोस्पेक्टस की बात हम कर रहे थे, जरूर देखा होगा पार्टी ने। आपको क्या लगता है इन कैंडिडेटों के सारे बीजेपी की चुनावी वैतरणी पार होगी 67 में से? क्या लगता है आपको, कितना फिजा जो है वो बताती है, बदले बदले सरकार नजर आते हैं। हाँ। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर है जी, हमेशा रहा है, और 10 साल बहुत हो जाते हैं किसी भी पार्टी। अच्छा, आजकल मुझे लगता है 10 साल का एक टेन्योर बन गया। पहले 10 साल हुड्डा जी रहे, सरदार साहब मनमोहन सिंह जी रहे जी ऊपर जी, अब इधर अगर आए तो 10 साल मोदी जी रहे, हालांकि तीसरी टर्म में मिल गई जी, तो तीसरी बार आ गए, तीसरी टर्म मिल गई। हाँ। टूटी फूटी मिली, चलो जो भी है मिली तो सही। अब इधर हरियाणा के अंदर 10 साल तो पूरे हो ही गए, 10 साल हो गए पूरे, 10 साल पूरे हो गए, ठोक जागे किए हैं, ऐसा थोड़ी है। बस एक चीज रह गई, अगर ये 10 साल मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहते तो उनके नाम रिकॉर्ड लिख जाता 10 साल वाला, लगातार वाला। फिर भी उनको जो है बहुत कुछ मिला। हाँ, केंद्र पे हुड्डा साहब पर भी नहीं लिखा जा सका 10 साल वाला। हाँ, पूरा 10 साल उनका भी, वो चुनाव उन्होंने पहले करवा लिए थे दूसरी टर्म के, 3-4 महीने, और मनोहर लाल जी को ऊपर वालों ने भेज दी, ले लिया ऊपर, भाई आप सेंटर में चल रहे हमारे साथ, ऊपर नहीं गए वो, सेंटर में। हाँ। सेंटर में सर ऊपर, आप गलत ना ले जाए उसको, सेंटर की पॉलिटिक्स में ले गए उनको वो। इस सारे इसको अगर देखें जी, जो मैं अभी आप कह रहा था, अभी आपने कहा बदले बदले सरकार नजर आते हैं जी, सरकार नहीं जनता बदली नजर आती है, जनता ही सरकार चुनती है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार चुनती है। तो सरकार यानी कि संसदीय प्रणाली है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम मानी जाती है मंत्रिमंडल से और सब के ऊपर, ये जनता उससे भी ज्यादा सर्वोच्च, तो जनता, तो ये जो कास्ट वाइज अगर फैक्टर देखेंगे तो जनता पर इसका कितना असर? कुछ हद तक तो होगा, लेकिन कुछ हद तक इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा जी। अब जगह जगह जैसे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जी सावित्री जिंदल, राजीव जैन, कविता जैन, बहुत से करदेव कांबोस, बहुत से लोगों ने। वैसे एक बात तो है जी, जहाँ ये विरोध वाली बात आ रही थी जी, कविता जैन 2014 में टिकट मिला जी, 2009 में टिकट मिला, 9 में टिकट मिला, चुनाव जीती, विधायक थी, 2014 में टिकट मिला, पावरफुल मिनिस्टर थी, उनके पति राजीव जैन मीडिया सरकार के ओएसडी थे, मीडिया एडवाइजर थे मनोहर लाल जी के, 2019 में टिकट दिया जी, चुनाव हार गई, चुनाव नहीं जीती जी, 3-3 बार टिकट मिला जी। राजनेताओं में ये क्यों होता है कि बस मैं ही, मैं हर बार, ये है एक, अगर नए किरदार नहीं आएंगे तो फिल्म पूरी भी नहीं होती। ये बिल्कुल सही है आपकी बात। दूसरा, अब सावित्री जिंदल जी का देखें अगर, हाँ, तो उनके बेटे सांसद हैं, अभी बेटे सांसद है, मंत्री रह चुके, मंत्री रह चुकी हैं, उनके पति जो थे वो सांसद रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे, वो भी जिंदल, बिल्कुल, तो
तो लेकिन वही है ना, मन है कि नहीं भरता। अब कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी, भागम भाग तो वहां भी होगी, वहां इससे ज्यादा है, वहां ज्यादा है। हाँ, क्या कम है? वो कह रहे होंगे बीजेपी वाले, आज कह रहे होंगे आज तुम हमारे मजे ले लो, कल हम तुम्हारे ले लेंगे। सही है। यही चलता होगा ना, ऐसा ही होगा, यही भगदड़ होगी। जी जी जी, इधर से उधर हो गए। अच्छा, चर्चा पूरी करते हुए आखिरी सवाल पे आते हैं जी। जो मैं आपसे कह रहा था, आप कह रहे थे बदले बदले सरकार नजर आते हैं, कितने बदले सरकार नजर आ रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है कांग्रेस और भाजपा में? अगर मुकाबला है जी, तो कांटे की धार वाला है और या फिर ऊपर नीचे वाला है उससे? ऊपर नीचे। और इस पलड़े को बराबर करने के लिए जो ये लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एनएलओ, जेजेपी, इनकी भी कोई भूमिका रहेगी या अब की बार निर्णय रहेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी? नगण्य रहेंगे। तो कहने की मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा में, वो भी आप कह रहे हो कि कांटे की धार वाला नहीं है, कांटे की धार का नहीं, लेकिन मुकाबला दोनों, मुकाबला दोनों के बीच में है जी। ये राजनीति है जी। आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर हमने चर्चा की जी। समीकरण और हवाएं ये बता रही हैं कि मुकाबला कड़ा होगा, और सुरजेवाला जी ने कहा कि कांटे की धार का नहीं, 60-40 का मुकाबला मान के चल लेते हैं। मुकाबला कांटे की धार का नहीं और दोनों पक्षों के बीच यानी कांग्रेस और भाजपा में अच्छा मुकाबला होगा। कितनी भूमिका रहेगी अन्य पार्टियों की आज, संभवतः शाम तक या कल कांग्रेस की लिस्ट आएगी, वहां कितनी भगदड़ मचेगी, क्या भागम भाग वहां भी होगी, इस पर भी नजर रखेंगे। और इस प्रकार की जो खबरें चलेंगी उन खबरों की विवेचना करते हुए लगातार आपके साथ आते ही रहते हैं, आगे भी कंटिन्यू आपसे जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार।